दिल्ली एनसीआर में अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने अपना पूरा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च के बाद अप्रैल में भी बारिश नहीं होने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है और ऐसे में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है। इसके अलावा चिलचिलाती धूप भी लोगों को जला रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार यानी आज से इस हफ्ते के अंत तक हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर चलने की संभावना जताई है। इसकी वजह से लू का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है और यही वजह है कि तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में कल के दिन यानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोमवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 18 से 34% रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। बुधवार से 10 अप्रैल तक हीट वेव चलने का अनुमान है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आसमान साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और मौसम साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है और 128 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का AQI खराब श्रेणी में रहा है और 172 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं गुरुग्राम में भी बहुत खराब श्रेणी में AQI रिकॉर्ड किया गया है, वो 155 रिकॉर्ड किया गया है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।